शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौसीम मीम, ये किताब रोशन की आयतें हैं। ए पैगंबर, शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने आप को हलाकत में डाल दोगे। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें, फिर इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। और इनके पास रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। सो ये तो झुटला चुके, अब इनको उस चीज की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसकी हंसी उड़ाते थे। क्या इन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हमने उसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीजें उगाई हैं? कुछ शक नहीं कि इसमें निशानी है, मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार गालिब है, मेहरबान है। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ यानी कौम फिरौन के पास, क्या वो डरते नहीं? उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूं कि वो मुझे झूठा समझें और मेरा दिल तंग होता है और मेरी जबान रुकती है। तो हारून को हुक्म भेज कि मेरे साथ चलें। और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह यानी फिरौनी के खून का दावा भी है, सो मुझे यह भी डर है कि मुझको मार ही डालें। फरमाया, हरगिज नहीं, बस तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। सो दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दें। फिरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको जबकि तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया था और तुमने बरसों हमारे यहां उम्र बसर नहीं की? और तुमने एक और काम किया था जो किया तुम नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा ने कहा कि हां, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था। फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम्हारे पास से फिरार हो गया। फिर मेरे रब ने मुझको नबूवत और इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फिरौन ने कहा, और रब्बुल आलमीन क्या होता है? फरमाया, आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी मालिक। फिरौन ने कहा कि ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बावला है। मूसा ने कहा कि मशरिक और मगरिब और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सबका मालिक, बशर्ते कि तुमको समझ हो। फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा, खा मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं यानी मोजेजा? फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो उसे लाओ दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त साफ अजदहा बन गई और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफेद बुराक नजर आने लगा। फिरौन ने अपने गिर्द के सरदारों से कहा कि ये तो एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आए। आखिर जादूगर एक मुकर्ररा दिन की मियाद पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि अगर जादूगर गालिब रहें तो हम उनके पैरों हो जाएं। फिर जब जादूगर आ गए तो फिरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा? फिरौन ने कहा, हां, और तब तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे। मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज डालनी चाहते हो डालो, तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन के इकबाल की कसम, हम ही जरूर गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को जो जादूगरों ने बनाई थीं निगलने लगी। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम तमाम जहानों के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूं तुम उस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है, स्वयं करीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और मुखालिफ समत के पांव काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए
कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में हो गए और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात ले निकलो, अलबत्ता फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। तो फिरौन ने शहरों में नकीब रवाना किए और कहा कि ये थोड़े से लोगों की जमात है और ये हमसे गुस्सा खा रहे हैं और हम सब इनसे खतरा रखते हैं। आखिर हमने उनको बागों और चश्मों से निकाल दिया और खजानों और नफीस मकानात से। उनके साथ हमने इसी तरह किया और इन चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। तो उन्होंने सूरज निकलते वक्त उनका ताकुब किया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुईं, तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो, तो समंदर फट गया। सो हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है, और दूसरों यानी फिरौनियों को वहां हमने करीब कर दिया, और मूसा और उनके साथ वालों को तो हमने बचा लिया, फिर दूसरों को हमने डुबो दिया। बेशक इस किस्से में निशानी है, लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। और इनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज को पूजते हो, वो कहने लगे कि हम बुतों को पूजते हैं और उनकी पूजा पर कायम हैं। इब्राहिम ने कहा कि जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी आवाज सुनते हैं, या तुम्हें कुछ फायदा दे सकते या नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। इब्राहिम ने कहा, क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूजते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी, तो वो मेरे दुश्मन हैं, मगर रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया है, सो वही मुझे रास्ता दिखाता है और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे शिफा बख्शता है, और वो जो मुझे मौत देगा और फिर जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि कयामत के दिन मेरा कसूर बख्शेगा। ए परवरदिगार, मुझे इल्म दानिश अता फरमा और नेकुकारों में शामिल फरमा, और बाद वाले लोगों में मेरा जिक्र नेक बाकी रखियो, और मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में शामिल कीजो, और मेरे बाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से है, और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे मुझे रुस्वा न कीजो, जिस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास बेरोग दिल लेकर आया वो बच जाएगा, और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी, और दोजख गुमराहों के सामने लाई जाएगी, और उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुम पूजते थे वो कहां हैं, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजते थे, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद बदला ले सकते हैं? तो वो खुद और गुमराह यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे, और शैतान के लश्कर सब के सब दाखिल है जहन्नम होंगे। वहां वो आपस में झगड़ेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो खुली गुमराही में थे जबकि हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे, और हमको इन गुनाहगारों ही ने गुमराह किया था, तो आज न कोई हमारे लिए सिफारिश करने वाला है और न कोई गर्मजोश दोस्त, तो काश हमें दुनिया में दोबारा जाना हो तो हम मोमिनों में हो जाएं। बेशक इसमें निशानी है और इनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। कौम नूह ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा कि तुम डरते क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इस काम का तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, तो अल्लाह से डरो और मेरे कहने पर चलो। वो बोले कि क्या हम तुमको मान लें जबकि तुम्हारे पैरों तो रजील तरीन लोग हुए हैं। नूह ने कहा, मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, उनका हिसाब आमाल मेरे परवरदिगार के जिम्मे है, काश तुम समझो, और मैं मोमिनों को निकाल देने वाला नहीं हूं, मैं तो फकत साफ साफ खबरदार करने वाला हूं। उन्होंने कहा कि नूह, अगर तुम बाज ना आओगे तो संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा कि परवरदिगार, मेरी कौम ने तो मुझे झुटला दिया, सो तू मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला कर दे, और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको बचा ले। बस हमने उनको और जो उनके साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया, फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को डुबो दिया। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है।
قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتی ہیں اور پہاڑوں میں تراش تراش کر پرتکلف گھر بناتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو تم اور کچھ نہیں ہماری یہ طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا بالآخر انہوں نے اس کو مار ڈالا پھر نادم ہوئے سو ان کو عذاب نے آ پکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آؤ گے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے لوط نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر مے برسایا سو جو مے ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو اور القا بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
और क्या उनके लिए यह सनद नहीं है कि उलमाए बनी इसराइल इस बात को जानते हैं? और अगर हम इसको किसी अजमी पर उतारते और वो इसे उन लोगों को पढ़कर सुनाता तो ये इसे कभी न मानते। इसी तरह हमने इनकार को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर दिया, वो जब तक दर्द देने वाला अजाब न देख लें इसको नहीं मानेंगे। वो अजाब इन पर नागहां आवाके होगा और इन्हें खबर भी ना होगी। उस वक्त कहेंगे, क्या हमें मोहलत मिलेगी? तो क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? भला देखो तो, अगर हम इनको बरसों फायदे देते रहें फिर इन पर वो अजाब आवाके हो जिसका इनसे वादा किया जाता है, तो जो फायदे ये उठाते रहे इनके किस काम आएंगे? और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसके लिए खबरदार करने वाले पहले भेज देते थे ताकि याद दिला दें, और हम जालिम नहीं हैं। और इस कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुए, ये काम न तो उनके लायक है और न वो इसकी ताकत रखते हैं। वो तो आसमानी बातों के सुनने के मकामात से अलग कर दिए गए हैं। तो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को मत पुकारना वरना तुमको अजाब दिया जाएगा। और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो, और जो मोमिन तुम्हारे पैरों हो गए हैं उनसे तवाज़ों से पेश आओ। फिर अगर लोग तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे आमाल से बेताल्लुक हूं। और उस गालिब व मेहरबान पर भरोसा रखो जो तुमको जब तुम तहज्जुद के वक्त उठते हो देखता है, और नमाजियों के साथ तुम्हारे रुकू और सुजूद को भी देखता है। बेशक वो सुनने वाला है जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान यानी जिन्नात किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। जिन्नात सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं, और शायरों की पैरवी गुमराह लोग किया करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में सर मारते फिरते हैं और कहते वो हैं जो करते नहीं? मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और अल्लाह को बहुत याद करते रहे, और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद इंतकाम भी लिया, और जालिम अनकरीब जान लेंगे कि कौन सी जगह लौट कर जाती है।